हाँ जी गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द व्लॉग। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इंट्यूटिव ईटिंग के बारे में। तो गाइस, इंट्यूटिव ईटिंग या ऑल इन डाइट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले, ये कोई एक डाइट नहीं है, इट इज़ ए ईटिंग पैटर्न। तो बहुत सारी मार्केट में डाइट है, आपने सुनी होंगी ऑनलाइन, फेसबुक, हाई प्रोटीन डाइट, तो हाई फैट डाइट। तो ये सब डाइट्स में मार्केटिंग कर करके हमारा जो रियल ईटिंग पैटर्न है हमें वो भुला दिया। गाइस, आपने कभी अपने दादी के टाइम पे या पापा मम्मी के टाइम पे ये चीज़ें उनसे पूछ के देखिए, क्या उनको ये चीज़ें पता थी? कभी नाम भी नहीं सुने थे। इवन आज जो यंग जनरेशन है, जो लोग सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं, दीज पीपल नो अबाउट दीज डाइट नेम्स, फैंसी फैंसी ने जो हम नेम सुनते हैं। तो गाइस, इंट्यूटिव ईटिंग एक पैटर्न है जिसमें क्या होता है कि एक फ्लेक्सिबल ईटिंग होती है। आपको अपने ब्रेन को और बॉडी की सेंसेस को यूज़ करना है टू ईट, विच इज़ द राइटेस्ट वे। इससे बढ़िया तरीका कोई नहीं है दुनिया में गाइस खाना खाने का। इसमें क्या होता है कि आपको अपनी बॉडी की सुननी है, दो चीज़ों का ध्यान रखना है, हंगर और सेटाइटी, मतलब आपकी सेटिस्फेक्शन। अगर आपको भूख लगी है तो आपको खाना है, और जब तक खाना है जब तक आपको आप फुल ना हो जाए और आपकी आत्मा तृप्त ना हो जाए, तो गाइज वो ईटिंग इज़ द राइट ईटिंग। और अपने दिमाग में ये चीज़ बिठा लो कि देर आर नो गुड फूड नो बैड फूड। हमने ऑनलाइन ये मार्केटिंग कर करके लोगों को ये सिखा दिया है, अरे ये तो जंक फूड है, अरे ये तो बुरी चीज़ है, इसमें हाई फैट है, इसमें हाई कैलोरीज है, दीज आर द बैड फूड। तो गाइज, खाने को इस तरीके से मत देखिए। उससे क्या होगा, जब भी आपके घर में कोई ओकेजन होगा, कोई ऐसा मोमेंट आएगा, तब आप जब उन चीज़ों को देखेंगे तो आपके दिमाग में क्या सिग्नल जाएगा, दीज आर द बैड फूड। आपकी बॉडी को लगेगा और हमने इसको नहीं खाना है, तो अंदर एक केमिकल रिएक्शन होगा। जब आप उस चीज़ को खाएंगे, आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली उसको स्टोर करेगी एज अ फैट और फॉरेन सब्सटेंस समझ के उसको ट्रीट करेगी। बट पहले के टाइम में क्या होता था, घर में कोई हलवा बनता था, पूड़ी बनती थी, कोई भी चीज़ खीर बनती थी, तो हम लोग उसको सब बैठ के इंजॉय करते थे और सब हेल्दी थे, हाईली एक्टिव थे, और हम उस फूड को इंजॉय करते हुए एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीते थे। तो गाइस, इंट्यूटिव ईटिंग भी यही है कि इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी बॉडी की सुननी है, अपने माइंड की सुननी है, और अपनी बॉडी के हॉर्मोन्स, आपकी बॉडी में इतना एड्रिनल रश होगा जब आप खाएं उसको, तो इतना चार्ज करके खाएं कि हे परमात्मा, ये जो आपने मुझे फूड दिया है आज, ये बेस्ट फूड है। और आपकी मदर या जो भी कुक करता है, आपकी वाइफ या आप खुद भी कुक करते हैं, तो स्टे ब्लेस्ड। आप उनको बोलिए कि यू आर द बेस्ट कुक, और आपने जो भी बनाया मैं से खुशी खुशी स्वीकार करता हूँ, और उसको प्रसाद बना के खाइएगा। कंप्लीट, तो अब मैं आपको दिखाऊंगा माय फर्स्ट मील ऑफ द डे, दैट इज पोस्ट वर्कआउट मील। तो आइए दिखाते हैं, पम देखिए गाइस। आई होप गाइस आपको परफॉर्मेंस अच्छी लग रही होगी। सो ऐसे कनेक्ट रहिए, पूरा वीडियो देखिए, आपको दिखाते हैं सारा दिन कि हम क्या खाएंगे इंट्यूटिव ईटिंग में। सबसे पहले हाँ जी गाइस, तो अब मेरा पहला मील है, क्योंकि मैं लेने वाला हूँ न्यूट्रोलाइट का च्यवनप्राश, तो इसका आधा चम्मच। एंड अभी मेरे पास है पोस्ट वर्कआउट स्मूदी, क्योंकि आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है मेरी स्मूदी, और इसकी रेसिपी अभी मैंने यूट्यूब शॉर्ट पे डाली है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप फॉलो नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो मेक श्योर आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, तो ज़रूर लाइक करेंगे आप ये रेसिपी। और बहुत ही टेस्टी है, यमी है, फुल ऑफ न्यूट्रिशन है, आपको बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलने वाले हैं। तो इसमें 20 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन है, और जो मैं इसमें प्रोटीन पाउडर यूज़ कर रहा हूँ, दैट इज़ अगेन फ्रॉम द न्यूट्रोलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन, तो इसी ब्रांड का है। आप देख सकते हैं ब्रांडिंग यहाँ भी है, तो न्यूट्रोलाइट
इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड इन द वर्ल्ड, सो वाई नॉट यूज दैट। ओके गाइज, तो पहला शुरुआत करेंगे। आपको पता है चमनप्राश एक अमृत की तरह है, इफ़ यू यूज इट राइट, तो इसको आप दिन में आधा चम्मच कभी भी ले सकते हैं, बट मैं इसको पोस्ट वर्कआउट लेना सही समझता हूँ, तो आप कभी भी ऐड कर सकते हैं। एंड न्यूट्रोलाइट का बेस्ट क्यों है, क्योंकि इट इज़ क्योंकि इसकी प्योरिटी और एश्योरेंस 100% है। बेस्ट पार्ट क्या है, टेस्ट भी बहुत अच्छा है, वेरी टेस्टी। तो अगर आप इसको खाते हैं तो बच्चे भी खा सकते हैं। चमनप्राश में प्रॉब्लम क्या होती है बाज़ार वालों में, कि एक मिर्च लगती है गाइस बाद में, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। स्वीटनेस भी बैलेंस है, बहुत ज़्यादा स्वीट नहीं है। अगर आप इसको खाएंगे तो आपको मज़ा आने वाला है, के बाद आपको मिल जाए, क्योंकि हमारे ग्लाइकोजन डिप्लीट हो जाते हैं, तो आपको वर्कआउट के बाद ऐसी चीज़ें डालें जिससे आपका ग्लाइकोजन बढ़ जाए। तो इसमें ऑर्गेनिक जेगरी भी है, शुगर भी है, तो उससे क्या होगा कि आपको जो ग्लाइकोजन स्टोर है वो फिर से वापस आएंगे और आपके मसल जो है रिपेयर होने शुरू हो जाएंगे। तो गाइस अब इसको मैं मिक्स कर दूंगा, और ये भी गाइस इतनी टेस्टी ड्रिंक है, तो हमारे घर में सबको इंतज़ार होता है इस ड्रिंक का, तो सुबह उठ के मैं इसको बनाता हूँ वर्कआउट करने से पहले, और सबके लिए रेडी होती है टेबल पे, सब वर्कआउट करते हैं और पीते हैं। तो ये है गाइस मेरा फर्स्ट मील ऑफ द डे, विच इज़ मोर देन 20 ग्राम ऑफ प्रोटीन, एंड इट इज़ बेस्ट वे टू स्टार्ट योर डे विद हाई, कि आप वो चीज़ दें, क्योंकि हम वर्कआउट के बाद एक राइट फ्यूल देना पसंद करते हैं बॉडी को, क्योंकि हमने इतनी मेहनत करी है, तो मेक श्योर कि आप उस टाइम पे एटलीस्ट राइट फ्यूल डालें। तो आपको मिलते हैं अगले मील के साथ। बेस्ट, हाँ जी गाइस, तो ये है अनदर मील जिसमें ब्रेकफास्ट मैं कर रहा हूँ एक ड्राई पराठे के साथ, जो घर का मक्खन एंड चाय। सो गाइस एंजॉय करिए हर मील को। पहुँच गए अपने ऑफिस, तो अभी यहाँ करेंगे 3 से 4 घंटे काम, और उसके बाद दिखाएंगे आपको घर जाके लंच, क्योंकि होने वाला है बहुत ही अमेजिंग। तो ये आज आपको अपने ऑफिस का भी टूर देता हूँ, तो देखिए कितना अमेजिंग वर्क स्पेस है, जहाँ पे एवरीडे हम जहाँ आप काम करें वो बहुत ही क्लीन हो और ऑर्गेनाइज्ड हो, और एक वाइब्स उसकी इतनी अमेजिंग हो, सो दैट आपका रोज़ मन करे वहाँ पे काम करने। ये है हमारा ऑफिस, जो कि है CSE सर्विसेज IAS ग्रुप। सो ये हैं बड़े भाई, काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज का सब यही ध्यान देते हैं। तो एंड स्पीच थेरेपी भी देखते हैं, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स हैं गाइस क्राउन स्पीच थेरेपी। तो इनका भी चैनल है साहिल मलिक व्लॉग्स, तो आप जाके देख सकते हैं। तो गाइस ये है अंदर का एरिया, जहाँ पे फादर साहब बैठे हैं, और ये है वर्क स्पेस जहाँ पे सब कुछ क्रिएट होता है, एडिट होता है, जो भी आप वीडियोस देखते हैं। और ये है हमारी बार का व्यू, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। सामने आप देख रहे हैं, ये भी सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, और यहाँ पे हम अपने क्लाइंट्स भी देखते हैं, जो पेशेंट्स रहते हैं डाइट के, और अपने वीज़ा से रिलेटेड भी देखते हैं। सो दीज आर द सम हॉल ऑफ फेम। और सबसे बेस्ट बात जो है गाइस हमारे ऑफिस की, दैट इज़ आवर मंदिर, तो ये होना बहुत ज़रूरी है। तो शिव बाबा हमारे विराजमान हैं, और काम चल रहा है दबा के। अपने ऑफिस आते हैं तो मेक श्योर आप अपनी वाटर बॉटल कैरी करें, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है एक ट्रेंड है कि एक कैंपर्स आते हैं पानी के ऑफिसेज में, तो इट इज़ नॉट दैट हाइजीनिक और हेल्दी जो आप घर का पानी लेके आ सकते हैं। तो ये हमारे पास 3 बॉटल्स हैं, तो हम ये 2 जने भी मिलके ख़त्म करेंगे इसको, और एक बॉटल बाहर भी है, तो वो अपना घर का पानी हम लंच के आधे घंटे पहले इसको पियेंगे। तो हम सारे फैमिली मिलके खाना खाने लगे हैं, तो हमारी शिवानी सबकी प्लेट रख रही है। थैंक यू बेटा, वाह जी। और सब ज़मीन पे बैठ के हम चटाई पे खाना खा रहे हैं पूरे फैमिली। देखो आज सुबह की बोल रहे थे ना, अभी आप व्लॉग बनाया करो, बताओ आप क्या कर रहे हैं आप? कटोरी रख रहे हैं, किस लिए? खाना खाएंगे। ओके थैंक यू बेटा,
श्वेनी आप सुबह क्या बोल रहे थे चाचू को? ब्लॉग बनाना। तो आपका ब्लॉग बना रहा हूँ मैं। ब्लॉग का मतलब तो बता दो सबको, ब्लॉग का मतलब क्या होता है? और ब्लॉग का मतलब क्या होता है? हाय हाय। जो आज छोले बने हैं तो इसकी रेसिपी आपको मिलेगी अनीता मलिक जी के चैनल पे, मम्मी के चैनल पे। रोटी भी दिखा दो। लो जी रोटी भी बनाई है हमारी भाभी ने, और ये हमारी, और राइस भी बनाई है शिवानी। ओए होए, तो सफेद हैं पर ये ब्लैक हो जाते हैं। इसकी रेसिपी सीक्रेट रेसिपी है, देखनी पड़ेगी आपको यूट्यूब पे। ये है मेरा मील सेकंड लंच, इसमें है राइस और साथ में वाइट चने और दही। शिवानी खाना खा के दिखाएगी। वाओ वेरी गुड, क्लैपिंग करो भाई सारे, क्लैपिंग। आपको कैसा खाना लग रहा है बताओ? अच्छा तो बोल दो सब भी, इसका चैनल पे सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, कमेंट कर लो। जोर से बोलो ना और शेयर कर लो। बाय बाय।